आज के हमारी नहीं हो। क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट। तो लास्ट गूगल सीट में हमने डिस्कस किया था आपके साथ विजय शर्मा जी, पाटिल जी, हमने डिस्कस किया था फाइल मेनू बार के बारे में। फाइल तो दो टॉपिक्स हम कर चुके हैं। पहला तो हमने टॉपिक किया था कि डेटा किस तरह से सिलेक्ट करेंगे और वगैरह वगैरह। दूसरा हमने मतलब जो नॉर्मल बेसिक था, दूसरा हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि किस तरीके से हम फाइल मेनू बार के कितने भी क्या क्या फीचर्स थे हमने उसके डिस्कस किया था। अब दूसरा अगली जो टॉपिक है उस पर चलिए चलते हैं, विद गूगल सीट हम करते हैं। ओके, सो फाइल मेनू बार के बाद हम बात करते हैं एडिट का। तो एडिट में कोई बेसिक चीजें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ये अनलोडेड और नॉर्मल है, कट कॉपी तो जानते ही हैं, पेस्ट भी आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं। बट हाँ, पेस्ट स्पेशल में कुछ नया है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपनी इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है, इसकी बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और साथ में मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ यहाँ से। ओके, और फॉन्ट कलर ब्लैक से मान लीजिए हम जो है ब्लू कर देते, नहीं ब्लू तो दिखेगा ही नहीं, ब्लैक ही सही रहता है, चलिए ब्लैक ही सही है। अब मैं इसको मान लीजिए कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसी सीट पे या किसी अनदर सीट पे पेस्ट करता हूँ, तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे जैसा वैसा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एडिट में पेस्ट स्पेशल ली, तो पेस्ट स्पेशल में कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर्स है पेस्ट वैल्यू, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो कंट्रोल शिफ्ट ओनली फॉर दैट। तो पेस्ट एज ए वैल्यू होता है, मतलब कि इसके अंदर अगर कोई फॉर्मूला लगा है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मल्टीप्लाई बाई मान लीजिए ये है आपका, तो यहाँ पे सिंपल जो है हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे मान लीजिए पेस्ट स्पेशल किया और हमने पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट एज ए वैल्यू में देखिए कोई फॉर्मूला पेस्ट नहीं होता है, सिर्फ हमारा वैल्यू पेस्ट होता है, मतलब कि कंटेंट जो बाहर दिखता है वही आपका पेस्ट होता है। फिर उसके बाद अगर हम यही इसी में एडिट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट अगर सिर्फ फॉर्मेट करते हैं, तो यह हमारा सिर्फ फॉर्मेट को पेस्ट करता है न कि डेटा को। ओके, पर एक छोटी ओके सर। होती है, इसको बार बार कॉपी करना होता है, एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब सब कुछ पेस्ट होगा, बॉर्डर नहीं होगा। कॉलम विड्थ, कॉलम की जो साइज है वही सिर्फ पेस्ट होगा। फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा। डेटा वैलिडेशन, सिर्फ डेटा वैलिडेशन पेस्ट होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है तो सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। ओके, और पेस्ट एज ए ट्रांस, ओके सर। हाँ थी जी, हाँ सर, सर 10:15 में है सर वो, सॉरी सर। तो यहाँ पे पेस्ट एज ए हम अगर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पता है सर क्या करता है? वो हॉरिजेंटल कर देता है। हाँ, हॉरिजेंटल टू, नहीं हॉरिजेंटल नहीं, वो हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। अगर डेटा अगर हॉरिजेंटल है, आपने पेस्ट एज ए ट्रांसपोज किया, तो उसको वर्टिकल में कर देगा। और फिर इसको कॉपी करके वापस पेस्ट एज ए ट्रांसपोज करते हैं हम, तो ये आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल, गया, वर्टिकल टू वर्टिकल हो गया। हॉरिजेंटल करता है। ओके, ओके सर। ये हमारा, अब डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ आई से जेड कॉलम, डिलीट करने का ऑप्शन देता है। पूरा कॉलम ही चला गया। और डिलीट करने के मतलब तो हट जाता है, फिर आप इसको प्लस ये कर सकते हैं, मतलब कि सॉरी जो दिक्कत है, कंट्रोल माइनस नहीं होता इंसर्ट का, एक्सेल में आ जाता है ना कंट्रोल प्लस करने का, हाँ इंसर्ट वन लेफ्ट कर सकते हैं तो आ जाएगा वापस। ठीक है, ओके सर। इसमें अगला ऑप्शन हम एडिट पे आते हैं, तो पेस्ट स्पेशल समझ में आ गया। फाइंड हाँ सर। एंड रिप्लेस तो सिंपल है, तो पता ही आपको कि क्या फाइंड करना है।
प्रोफाइल वो तो बताया और था। भी है कि आपको ऑल सीट पे करना या डी सीट पे करना या फिर कोई सिलेक्ट रेंज पे करना है, नेम जो डिफाइन होता है उस पे करना है। मैच के जैसे मान लीजिए फाइनल मैंने लिख दिया पूजा, तो पूजा मेरा कैप्स लेटर में है, लेकिन मैच तो स्मॉल भी कर लेगा ना, तो मैच हाँ सर, पूरा के पूरा केस में है, मतलब जैसे अपर में है तो वो भी अपर में होना चाहिए। मैच एंटायर सेल कर, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पूजा लिखा तो पूजा सिंह भी होगा तो उसको ही मैच कर ले, उसको ही फाइन कर लेगा ना। तो हाँ सर, यहाँ पे नहीं, सिर्फ पूजा होना चाहिए, पूजा सिंह नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सर्च ओके सर। विद इन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के अंदर जाके भी सर्च करेगा, या रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो। तो सिंपल एक्सेल जैसा ही है, तो कोई खास नया नहीं है। ऐसे आपकी अब यहाँ पे डिलीट वैल्यू को, इसी वैल्यू को डिलीट करना है या डिलीट रो करना है, डिलीट कॉलम करना है, या सिर्फ सेल को डिलीट करना है, मतलब कि आप सेल को डिलीट करना चाहते हो और नीचे के डेटा ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हो, तो नीचे का डेटा ऊपर मूव हो जाएगा, या फिर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का डेटा मूव हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्लियर, ओके सर। अगर इसमें अगर मान लीजिए कि इंसर्ट में हमने कोई नोट्स इंसर्ट कर रखा है, नोट दिख रहा है ना आपको, नोट रिलेटेड हाँ सर, कोई कमेंट होता है कि हम लिख दिया कि दिस इज नॉट फाइनल राइट, तो इस पे कर्सर दिखता है, अगर इस नोट्स को क्लियर सर, मैं राइट क्लिक करके भी क्लियर कर सकता हूं यहां से, या फिर हम यहां से भी क्लियर कर सकते हैं। रिमूव चेक ओके इंसर्ट में हम लोग चेक बॉक्स इंसर्ट करते हैं कि इस पे क्लिक किया तो चेक बॉक्स हमने इंसर्ट किया कि हाँ चेक हो गया या नहीं हुआ, समझ गए। ओके जैसे जीरो दिख रहा है ना भी आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई है, सर। अगर हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाए। मान लीजिए कोई नंबर्स है आपका, जैसे कि मैं मान लीजिए कि ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा कमीशन है, राइट, कमीशन परसेंटेज ओके सर, है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कमीशन परसेंटेज कोई सब देखे, राइट सर। हाँ सर, मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मान लीजिए मैं 2% कमीशन हमारा है, तो हमारा कमीशन आ गया ना, दिख गया। इन सब इन तीनों के गया। जगह पे मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे चेक बॉक्स डाल दूंगा, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा रिकॉर्ड दिखेगा, कमीशन दिखाई नहीं देगा सर। सॉरी माफ कीजिएगा मैंने गलत बता दिया, जैसे कि चेक बॉक्स मतलब कि इस पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू है ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, दिखेगा, दिख रहा है। हाँ सर, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। इसको और भी यूजेज है तो आगे चल के इसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर, अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहां पर रखता हूं, ठीक है, यहां रख दिया, और मैं यहां पे चेक बॉक्स लगाता हूं, अगर मैं ये फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूं तो फिर भी दिख ही रहा है, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर इसमें कुछ होना चाहिए, इसका लिंक होना चाहिए कोई लगाने से पहले, ठीक है सर। मतलब कि इस पे क्लिक करने मतलब ट्रू, मतलब कि ए वन हो गया तो ए प्लस हो गया वन, तो इस पे क्लिक करोगे तो वन, एंड अनक्लिक करोगे तो जीरो के ऊपर लेता है, तो इसी बॉक्स को क्लियर करना चाहते हो तो यहां आप एडिट में क्लियर चेक बॉक्स कर सकते हैं। एडिट कमांड आपको समझ में आ गया, हाँ सर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे व्यू के ऊपर, ओके सर। ठीक है।